अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं अय्यूब एमएएक्सप्रेस न्यूज ऑफ इंडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की अहम और सच्ची खबर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ टीएमआरएस बहादुरपुरा गर्ल्स 2। ये स्कूल अंसारी रोड पे पिछले 5 साल से चल रहा है एंड टुडे वी हैव सेलिब्रेटेड, वी आर डूइंग अ सेलिब्रेशन रैली ऑफ कंप्लीटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड मोर देन 300 स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर स्कूल हैज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड एंड आई थैंक अ कोऑपरेटर एंड ऑल द लीडर्स हु हैव टेकन अप दिस and made it possible. I thank the police department for supporting and all the people who are associated with this. So it was a great moment for us, a proud moment, and we are proud to be Indian. Thank you so much. आज 3 बजे माइनॉरिटी गर्ल्स स्कूल बहादुरपुरा अंसारी रोड पे बच्चियों की रैली निकाली गई, जिसमें बहुत सारे यहाँ के बच्चियाँ और स्कूल का स्टाफ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सुदूर मोतमदीन और हमारे रमनसपुरे के कारपोरेटर जनाब खादर साहब, हमारे मैलारदोपल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के एसआई और उनका स्टाफ तमाम ने इस रैली के अंदर शिरकत की। मैं आपके चैनलों के ज़रिए 75 साल मुकम्मिल हो रहे हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, मैं आप तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए आपको और हमको सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं आपके चैनल के ज़रिए यही कहूँगा कि हिंदुस्तान को हमको आगे ले जाना है तो हमको तालीम के जेवर से आरास्ता होना बेहद ज़रूरी है। आज तेलंगाना गवर्नमेंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर कई माइनॉरिटी स्कूल्स को चलाया जा रहा है और मैं ख़ास तौर से बच्चों को और तमाम को 75वीं साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए,